जी हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल टेक स्पेस पे। दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर हैं और आपने हाल ही में अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है, तो ऐसे में आपको पता होगा जितने भी नए यूट्यूबर हैं उनके चैनल पर सब्सक्राइबर बहुत कम रहते हैं या फिर उनके सब्सक्राइबर बहुत धीरे धीरे से ग्रो होते हैं। तो ऐसे में जो है जितने भी यूट्यूबर है वो अपने सब्सक्राइबर वो हाइड करना चाहते हैं जिनसे उनका चैनल पे इफेक्ट ना पड़े। और सबसे मेन जरूरी चीज़, जब कोई व्यूअर्स या फिर आपके चैनल पे विजिट करता है तो वो देखता है कि अगर आपके सब्सक्राइबर जो है चैनल पे बहुत कम है तो वो चैनल से आपका बैक कर लेता है, वापस चला जाता है, जिससे आपके चैनल पे इफेक्ट करता है। तो इसमें आपका जो है बेनिफिट यही करेगा आपको चैनल पे व्यूअर्स लाने में या फिर वॉच टाइम बढ़ाने में, सबसे अच्छा कि आप अपने चैनल को हाइड कर दें। हाइड करने से आपका चैनल पे वो शो नहीं करेगा कि आपके चैनल पे कितने सब्सक्राइबर हैं। अगर आपका चैनल पर जो है 1K सब्सक्राइबर से कम है तो बेहतर होगा कि आप अपने सब्सक्राइबर को हाइड कर लें, क्योंकि मैंने भी हाइड किया हुआ है। तो इस वीडियो में आपको यही जानकारी मिलने वाली है कि अपने जो है चैनल का सब्सक्राइबर कैसे हाइड कर सकते हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप स्टेप बाय स्टेप पूरा देखें, आप समझ पाएंगे किस तरह से सब्सक्राइबर को हाइड किया जाता है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो देखा जाए। जी गाइस, तो आप देख सकते हैं ये मेरा चैनल है टेक स्ट्रेस। यहाँ पर देखिए आप जो है मेरा सब्सक्राइबर शो कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सब्सक्राइबर शो कर रहे हैं 256। जो भी यूट्यूबर हो तो उनका हर यूट्यूबर का सब्सक्राइबर शो करता है। अगर आप खास करके नए यूट्यूबर हैं, हालांकि मैं भी नया यूट्यूबर हूँ, मेरा भी 1K सब्सक्राइबर हुआ नहीं है, तो इसे मैं ज़्यादातर अपना हाइड करके रखता हूँ, जैसे शो नहीं करता है। बट अभी मैं इसे अनहाइड किया हुआ है आपको बताने के लिए। तो अगर आपका भी जैसे स्क्रीन पर सब्सक्राइबर शो कर रहा है और इसे आप छिपाना चाहते हैं, जब भी कोई व्यूअर्स आपके चैनल पर आए और इस सब्सक्राइबर को ना देख पाए, मतलब आप अनहाइड जो है हाइड करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप आसानी तरीके से अपने चैनल का सब्सक्राइबर को आप हाइड कर सकते हैं। वीडियो को पसंद आती है तो आप सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को यहाँ से ऑन कर दें। तो इस अभी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चलिए फ्रेंड्स मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको अपना जो है स्मार्टफोन के क्रोम में जाना पड़ेगा। तो अभी मैं क्रोम में जाता हूँ। जी गाइस, क्रोम खोलने के बाद जो है आपका यहाँ पर गूगल आ जाएगा। यहाँ पर आपको सिंपली जो है यूट्यूब यहाँ पर लिख देना है। आपको ध्यान रहे, YouTube जो खोलना है क्रोम ब्राउज़र में जाकर ही करना पड़ेगा। YouTube.com मैंने लिखा, उसके बाद आपको सिंपली सर्च कर देना है। अब देखिए क्रोम ब्राउज़र में आपका जो YouTube आ जाएगा, यहाँ इस वाले ऑप्शन में आपको क्लिक करके YouTube को ओपन कर लेना है इस तरह से। तो भाई आप देखिए YouTube आपको ओपन हो चुका है, बट इसको आपको डेस्कटॉप साइड में करना पड़ेगा, यानी फुल स्क्रीन करना पड़ेगा। तो सिंपली आप देखिए ऊपर एक ऑप्शन दिया गया है 3 डॉट का, तो इस 3 डॉट में क्लिक करें, यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको मिल जाती है डेस्कटॉप साइड की। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर आपको डेस्कटॉप साइड में एक क्लिक कर देना है। अभी आपका जो है YouTube फुल स्क्रीन पे आपके मोबाइल स्क्रीन पे खुल जाएगा। देख सकते हैं YouTube अब पूरे तरीके से डेस्कटॉप साइड में खुल चुका है। अब क्या करना है, ये आपका चैनल, यहाँ पर आपका जो चैनल है यहाँ पर आपका चैनल लोगो दिखाएगा। अगर कोई दूसरा अकाउंट है तो आपको चैनल वाले अकाउंट सिलेक्ट करनी है। अब मैं इस वाले ऑप्शन क्लिक करूंगा, यहाँ पर योर चैनल लिख रहा है, योर चैनल में मैंने क्लिक करूंगा। अभी देखिए मेरे मोबाइल स्क्रीन पर मेरा चैनल आ गया है, यहाँ भी सब्सक्राइबर शो कर रहा है। अभी मैं हाइड करूंगा तो सब्सक्राइबर शो नहीं करेगा। सो गाइस, अभी आपको करना क्या है, इस तरह से ओपन होने के बाद चैनल में आप पहुँच जाते हैं। यहाँ पर आप देखिए दो ऑप्शन है, कस्टमाइज चैनल की यूट्यूब स्टूडियो, तो आपको इस वाले ऑप्शन में सिंपली जो है क्लिक कर देना है। तो इस वाले ऑप्शन में मैंने क्लिक कर दिया। अभी आप देखें एक ऑप्शन आएगा जी, इस तरह से खुलने के बाद जो है इस तरह से आपका ओपन हो जाता है। और यहाँ पर एक सेटिंग का एक आइकन दिखता है आपका, ये चैनल आर्ट के बगल में आप देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन। तो कस्टमाइज चैनल में क्लिक करने के बाद आपको सिंपली इस वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। अभी आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक अकाउंट सेटिंग, एक एडवांस सेटिंग। तो आपको नीचे वाले ऑप्शन में सिंपली जो है क्लिक कर देना है एडवांस सेटिंग में। अभी मैंने क्लिक कर दिया, अभी एक ऑप्शन आएगा देखिए जी। अब यहाँ पर आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका मेन चीज़ है, नीचे आप सीधा जो है स्लाइड डाउन करके नीचे देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सब्सक्राइबर काउंट। तो अभी मैंने डिस्प्ले द नंबर ऑफ पीपल सब्सक्राइब टू माय चैनल किया हुआ है, इसलिए मेरा सब्सक्राइबर शो कर रहा है। अभी मैं अनहाइड करूँगा तो आपको इस वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, इस डू नॉट डिस्प्ले वाले ऑप्शन में। तो अभी मैं इसे सिलेक्ट किया और मेरा सब्सक्राइबर हाइड हो गया है, अभी नहीं दिख पाएगा। उसके बाद इस वाला ऑप्शन में जो है टिक करके यहाँ जो है सेव आपको करना ज़रूरी है। तो अभी मैं सेव करता हूँ। देखा आपने जो किस तरह से मैंने किया, यहाँ पर योर चेंजेस वेयर सेव। तो चलिए अभी मैं बता देता हूँ अभी मेरे सब्सक्राइबर शो कर रहे हैं कि नहीं।
जी गाइस, तो आप देख सकते हैं मेरा ये चैनल पे अभी सब्सक्राइबर शो नहीं कर रहा है। अभी कोई भी विजिटर या व्यूअर्स मेरे चैनल पे पहुंचेगा तो उसका सब्सक्राइबर, मेरा सब्सक्राइबर जो है उसको शो नहीं करेगा। तो वीडियो कैसी लगी आप मुझे बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर बटन को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर दें। इस तरह की वीडियो देखने के लिए आपको रोजाना मिलती रहेगी मेरे चैनल पे। मिलता हूँ फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट वीडियो में।